नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक व्यापारी ने आरएस 45,000 का ऋण दो बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया तथा दूसरे ऋण के लिए 12% वार्षिक ब्याज दिया। यदि एक वर्ष बाद कुल ब्याज 4,440 रुपये हो तो 8% की दर पर कितना ऋण लिया। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी हम दो विधियों से सॉल्व करेंगे। पहली विधि क्या है कि टोटल पैसा कितना लिया, 45,000। ठीक है, अब रेट दो हैं, एक है 8% का और एक है 12% का। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो 8% पे पैसा लिया वह है एक्स है, और जो 12% पे लिया वह है 45,000 माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो इसी से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इस रेट पे ब्याज निकालेंगे और इस रेट पे ब्याज निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 4,440 के बराबर आना चाहिए। पहली राशि है x, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 भाग गुणा 1 साल के लिए 100 पहला ब्याज, प्लस दूसरी राशि है 45,000 माइनस x, इसके लिए रेट है 12 का, समय है 1 वर्ष भाग 100 बराबर दोनों ब्याज मिला के कितना दिया उसने, 4,440 रुपये। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 100 तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से गुणा करेंगे तो आएगा 8x प्लस 12 का गुणा करेंगे 0 0 0, 12 5 60 और 12 4 48, 48 6 54 माइनस 12 का x में होगा तो 12x बराबर 4 4 4 और 0। 12x में से 8x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4x बचेंगे। 100 का यहाँ गुणा होगा तो यहाँ से 100 हट जाएगा और यहाँ 00 बन जाएगा। ठीक है, तो हम 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 4x। उस तरफ यह जाएंगे तो 5,40,000 में से 4,44,000 को हमें माइनस करना है तो कितना बचेगा, 96,000, वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स बराबर बचेगा 96,000 भागे 4, 4 से काट देंगे, 4 2 8, 4 4 16 तो 24,000, तो एक्स बराबर कितना निकल के आएगा, 24,000 रुपये। तो ये 24,000 क्या निकल के आया, जो कि 8% की दर पर ऋण लिया था वह निकल के आया 24,000। अगर वह कहता कि 12% की दर पर कौन सा लिया था तो 45,000 में से 24,000 घटा देंगे, 21,000 लिया उसने 12% की दर पर। अब इसको हमने जैसा कि कहा था कि हम दो मेथड से लगाएंगे तो दूसरी मेथड से भी लगा के देखते हैं। राशि कितनी थी, 45,000, रेट क्या क्या थे, एक था 8 और एक था 12। ठीक है, इतना तो हमें प्रश्न से पता ही चल गया। अब हम यह मान के चलते हैं कि जो हमें निकालना है उसका विपरीत मान के चलते हैं। हमें 8% की दर पे कितना पैसा लिया वह बताना है, तो हम मान के चलते हैं कि हमने जो पूरा पैसा है वह 12% की दर पर लिया। तो 45,000 का 12% निकालिए पहले, तो आप ठीक है सॉल्व करेंगे, 0 से 0 0 से 0, तो 0 का 0, 12 5 60 का 0, 12 4 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा, 54, यानी 5,400 रुपये हमें ब्याज मिला, लेकिन प्रश्न के मुताबिक 4,440 ब्याज मिला, तो हम उसको माइनस कर लेंगे, तो यहाँ 0, यहाँ 6 और यहाँ 9, 960 रुपये हमें ज़्यादा मिला। ज़्यादा क्यों मिला, क्योंकि हमने 8 के रेट को भी 12 माना लिया, तो अंतर कितने का है, अंतर है 4 का, 4 से काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 240, गुणा कर देंगे 100 का तो कितना आ जाएगा, 24,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से भी लगा लेना है और इस तरीके से भी लगा लेना है, दोनों ही मेथड हमने आपको बताए हैं
और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।